नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे पिछले लेक्चर में, हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। आज हम करने वाले हैं तीन आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल की थी, अब हम ट्रिपल एंगल करेंगे। साइन 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin 3x, कॉस 3x इज 4 cos3x माइनस 3 cos x, टैन 3x इज 3 tan x माइनस tan3x अपॉन 1 माइनस 3 tan3x। अब इनको अगर आप प्रूव करना चाहते हो, साइन 3x को आप x प्लस 2x लिख सकते हो, तो साइन a प्लस b लग जाएगा, उसको खोलेंगे, ठीक है जी। तो आपके पास cos 2x होगा और साइन 2x होगा, उसको आप x की फॉर्म में चेंज करिए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आप कोई भी ये करना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़े आराम से प्रूव हो जाएंगे सारे के सारे। सेम यहाँ पे x प्लस 2x लिखिए, तो tan x प्लस tan 2x ओवर 1 माइनस आएगा, tan 2x की फिर से वैल्यू डालेंगे, यू विल सॉल्व इट आउट, यू विल गेट दीज आइडेंटिटी। These are the three triple angle identities that we are going to do: sine 3x, cos 3x, and tan 3x. Now, what type of questions do we get? यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन identities को हम side पे रखते हैं. Let's start with the questions. Cos x plus pi by 3. cos pi by 3 plus x and cos pi by 3 minus x is equal to 1 by 4 cos 3x. अब देखेंगे आप, सारा कुछ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है जी। cos x into cos pi by 3 plus x into cos pi by 3 minus x. So भैया आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड cos x, ये दोनों क्या बन रहे हैं, cos a plus b into cos a minus b which used to be cos square a minus sin square b. ये हमारे पास आइडेंटिटी होती थी, इफ यू रिमेम्बर, cos a plus b, cos a minus b, cos square a minus sin square b. Now this is cos pi by 3. Cos pi by 3 is what? 60 degree. Cos 60 is what? 1 by 2. 1 by 2 ka square is what? 1 by 4. Likh sakte hain aise. Ab yahan cos hai, yahan sin square hai. So what I did? Maine isko 1 minus cos square x likh diya. So what this became? Cos x into 1 by 4 minus 1 plus cos square x, right? Koi dikkat? So what this will become? Cos x minus 3 by 4 plus, agar main isko solve karke pura LCM lunga, to hamare paas 4 cos square x aa gaya. Cos x multiply ho gaya, to hamare paas aa gaya 1 by 4 bar minus 3 cos x plus 4 cos cube. Now if you see the identity of cos 3x, this says 4 cos cube x minus 3 cos x. So हमारे पास ये क्या बन गया, directly answer बन गया, 1 by 4 तो है ही है यहाँ पे, ये क्या बन गया, cos 3x जय माता दी, जो हमसे एंगल पूछा हो। Clear? Now सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं आपको एक क्वेश्चन कह रहा था आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है, जो हमने अभी तक नहीं किया है, सो लेट्स डू दैट क्वेश्चन, दैट सेज टू प्रूव कॉस 6x इज इक्वल टू 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस 6x है। अब cos 6x है, ध्यान से देखना, cos 2 थीटा क्या होता था,
ये लिखते थे 2 cos square theta minus 1. cos 2 theta की बेसिकली बहुत आइडेंटिटीज थी, पर cos square की टर्म्स में ये थी, राइट? इफ आई राइट cos 6x एज cos 2 into 3x, कैन आई राइट cos 6x एज 2 into 3x? सो दिस 3x बेसिकली बिकम्स व्हाट फॉर मी? दिस इज माय थीटा. सो cos 2 into थीटा शुड बी व्हाट? 2 cos square थीटा शुड बी व्हाट? 2 cos square थीटा माइनस 1. आई होप 6x को हम 2 into 3x लिख सकते हैं. ये बात समझ आई? तो 3x मेरे लिए क्या एक्ट कर रहा है? थीटा की तरह. और आइडेंटिटी पता है cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos square थीटा माइनस 1. अब बच्चा गया, आपने यही आइडेंटिटी क्यों यूज की, चूज की है? क्योंकि यहां पे पूरा खानदान किसका है? cos का है. अगर यहां साइन पूछा होता तो मैं साइन में चेंज करता. cos का पूछा था तो हमने cos में उसको चेंज कर दिया है. या अब 2 cos 3x है. cos 3x की तो मुझे वैसी आइडेंटिटी पता है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x. और यहां पे क्या लिखा हुआ इंग्लिश में? स्क्वायर. सो बाउजी 2 a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी. बाऊजी क्या बन गया? 2 16 cos की पावर 6x 9 cos स्क्वायर x माइनस 8 3 24 cos की पावर 4x. पूरा खान यहां पे लास्ट में आ गया माइनस 1. सॉरी, पूरा खानदान यह है. ये पूरा खानदान से मल्टीप्लाई होगा. सो यू गेट 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस. जस्ट अ सेकेंड. अच्छा ठीक, सही लिख माइनस. आई गॉट मिसअंडरस्टूड. मेरे को लगा यहां पे कुछ और वैल्यू. सो 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1. यू गेट इट? दिस सिंपल थिंग. cos 6x को हमने क्या लिखा? 2 into 3x. सो 3x बिकेम आर थीटा एंड देन वी यूज दिस आइडेंटिटी टू गेट आर आंसर. इजी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Asked a lot many times in the paper. Clear? So now let's move further ahead. चलते हैं आगे बच्चा पार्टी. I take a question. The question says tan x plus tan pi by 3 plus x minus tan pi by 3 minus x is equal to 3 tan 3x. Now see the answer. Tan x को तो कुछ कह नहीं सकते. ये tan a plus b क्या होता है? tan a plus tan b 1 minus tan a tan b minus tan a minus b. So tan a minus tan b 1 plus tan a into tan b. So tan x plus tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है root 3. So root 3 plus tan x over 1 minus root 3 tan x minus root 3 माइनस टेन एक्स 1 प्लस रूट 3 टेन एक्स. भाजी एलसीएम आएगा पूरे टब्बर का 1 माइनस रूट 3 टेन एक्स इंटू 1 प्लस रूट 3 टेन एक्स. अब बेसिकली ये मल्टीप्लाई होके क्या बनते हैं? 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूं tan x into 1 minus 3 tan square x. आई होप ये बात समझ आ जाएगी आपको. ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये बनते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो प्लस रूट 3 प्लस tan x
ये बाऊजी मल्टीप्लाई होंगे इन भाई साहब से, माइनस का साइन है तो ध्यान रखना हमेशा, यही ओवर कॉन्फिडेंस को मारता है। ये दीदी यहां पे मल्टीप्लाई होंगी, अब भाई साहब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही और कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखो, tan x इंटू वन tan x माइनस थ्री tan क्यूब x प्लस रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री tan x, tan x इंटू वन tan x, tan x इंटू रूट थ्री tan x रूट थ्री tan x। अब यहां और मजेदार हो जाएगा, आगे माइनस का साइन भी, रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री आगे माइनस, रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री थ्री टेन एक्स आगे माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है ये, टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस टेन एक्स इंटू माइनस थ्री रूट थ्री टेन एक्स, तो माइनस रूट थ्री टेन स्क्वायर एक्स। सो भाई साहब काटा पीटी करना स्टार्ट करते हैं जरा, क्या होता है, एक तो ये भाई साहब जाएंगे, अच्छा ये पूरा खानदान डिवाइडेड है वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक रूट थ्री अंकल और माइनस रूट थ्री अंकल जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं जा रहा। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां बन गया टेन एक्स फोर टेन एक्स फाइव टेन एक्स एट टेन एक्स नाइन टेन एक्स, सो यू गेट समथिंग लाइक नाइन टेन एक्स माइनस थ्री टेन क्यूब एक्स पूरा टब्बर डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। सो भैया थ्री कॉमन, यहां से थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स, निकालने को टेन भी निकाल सकते थे पर वही हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी फिर, तो इसलिए हमने उसको नहीं निकाला। तो थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स होगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, बाबू जी ये क्या बन गया टेन थ्री एक्स की आइडेंटिटी, जय माता दी, जो आपसे पूछा हुआ था खत्म हो गया। ध्यान से देखिए, सिर्फ कैलकुलेशन है नथिंग एल्स, मैक्सिमम बच्चा यहां प्लस माइनस में ही गलती करके फंस जाता है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कहते बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया। क्लियर नाउ, अ वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस जो करवाने लगो, मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि इसमें बचपन की क्लासेस इन्वॉल्व है, तो तुम्हें पता ही है फिर मजा बहुत आता है ऐसे क्वेश्चन करके। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज जीरो, बचपन के आपको फंडे पता ही है हमारे कितने माशाल्लाह रब की दुआ से। टू प्रूव कॉस थ्री अल्फा कॉस थ्री बीटा कॉस थ्री गामा इज इक्वल 12 cos alpha cos beta cos gamma, ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma will be equal to this, हमें सिर्फ गिवन है cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal, now see, क्या करें क्या करें क्या करें, 3 alpha 3 beta 3 gamma आइडेंटिटी यूज करें तो भैया ये बनता है 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, ये बनता है 4 cos क्यूब बीटा माइनस 3 cos बीटा, और ये बनता है 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 cos गामा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें हम कहें कि और हमें समझ नहीं आया, तो क्यूब वाले खानदान सारे इकट्ठे कर दिए, cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा, और ये सारे बाकी वाले माइनस थ्री कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस। अब मुझे पसंद किया है क्वेश्चन, मैंने कहा बिकॉज दिस क्वेश्चन चेक्स आर बेस, ठीक है जी, नाइन्थ क्लास में हम बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी करते थे, वो क्या थी, इफ, जिसका क्वेश्चन आता ही आता था हर किसी के बच्चे ने स्कूल में पेपर में दिया हुआ है, हर बच्चे ने, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, ये आइडेंटिटी होती थी और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता होता था कुछ ऐसा,
कि फाइंड विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब, फाइंड 12 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 7 क्यूब, हर किसी के पेपर में क्वेश्चन आया होगा। ये आइडेंटिटी यहां यूज होती है अब, ठीक है जी। तो 4 a³ + b³ + c³, a प्लस बी प्लस सी इज जीरो, तो a³ + b³ + c³ इज वॉट, 3abc, 3 cos α cos β cos γ माइनस 3 into, ये तो पूरा जीरो है, तो क्या आ गया 12 cos α cos β cos γ, जय माता दी, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब जिसको ये याद नहीं है हो गया ठंडन गोपाल, तो अब कह लो भाई नाइन्थ का भी याद करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा बाबूजी, सबको याद रखना पड़ेगा। अब एबीसी भी तो याद रखी हुई है, क्या मजेदार क्वेश्चन था। लेट्स सी, लेट्स मूव फर्दर अहेड। कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब टू पाई बाय थ्री प्लस एक्स प्लस कॉस क्यूब 4π/3 + x इज इक्वल टू 3/4 cos 3x, ठीक है, ये प्रूफ करो। अगेन हम यहां देखोगे cos 3x लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहां से इधर देखना बेटा, ये हमें आइडेंटिटी गिवन है, हम यहां से लिख सकते हैं cos 3x - 3 cos x / 4 = cos³x, ये वहां भेज दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कॉस क्यूब, अब हमें कॉस क्यूब की भी एक आइडेंटिटी पता लगती है, हम उसको ऐसे लिख सकते। सो बाबू जी इसको हमने लिखा cos 3x - 3 cos x / 4 + इसको लिखा cos 3 × 2π/3 + x, सॉरी प्लस आएगा यहां, माई मिस्टेक, प्लस 3 cos, एंगल क्या है यहां पे 2π/3 + x अपॉन 4 प्लस cos 3 × 4π/3 + x प्लस 3 cos 4π/3 + x अपॉन, पूरे खानदान में से 4 बार निकल जाएगा, ये तो पता लग ही रहा है, क्या बचा cos 3x + 3 cos x + cos, देखो 3 × 2π/3 होएगा, तो ये 2π हो गया प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3 cos 2π/3 + x प्लस cos, ये 3 और 3 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट, 4π + 3x रह जाए, एंड 3 cos 4π/3 + x या ना, देखे जरा क्या कर सकते हैं। देखो cos 2π + θ है, 2π राउंड काटा आपने, ठीक है ना, तो ये cos 3x बन जाएगा, ऐसे ही cos 4π + 3x, तो दो राउंड काटने के बाद वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो दिस इज ऑल्सो cos 3x, तो cos 3x cos 3x और cos 3x 3 times आ गया, तो ये बन गया 1/4 3 cos 3x, ठीक है, प्लस 3 cos x प्लस 3 cos, अब देखो ये 3 cos x है, ये 3 cos 2π/3 + x है, ये 3 cos 4π/3 + x है, तो मैंने 3 कॉमन ही ले लिया, cos x + cos 2π/3 + x cos 4π/3 + x, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से समझना इस बात को, टू पाई बाय थ्री कितना होता है,
अगर आप देखोगे ध्यान से, 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है, राइट? 180 होती है, क्या होती है? 120. 4 पाई बाय 3 की कितनी होती है? 240. तो देखो, दो चीजें हम कर सकते हैं बड़ी इजी थी, कि हम यहां पे इसको खोल दें, इसको सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ, यहाँ पे फटाफट से वैल्यूज डाल दें। ये बन गया कॉस 120 2 पाई बाय 3 कॉस एक्स माइनस साइन 2 पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस 4 पाई बाय 3 कॉस एक्स माइनस साइन 4 पाई बाय 3 साइन एक्स। क्योंकि देखो हमें 3 बाय 4 cos 3x चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, ये सब ने कैंसिल आउट ही होना बाकी होगा। अब कैसे होगा, cos 2 पाई बाय 3 है, cos 2 पाई बाय 120 डिग्री, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस cos 60, दैट मींस ये होता है हमारे पास माइनस cos 60, दैट मींस माइनस रूट 3 बाय 2। साइन 120 इज साइन 160, साइन 160 सॉरी 1 बाय 2 है, साइन 60 डिग्री इज रूट 3 बाय साइन, कॉस 4 पाई बाय 3 इज कॉस 240, फटाफट से कॉस 240 निकाल लो, दैट इज कॉस 180 प्लस 60, ठीक है। तो अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस कॉस 60 होने वाला है, तो भैया माइनस 1 बाय 2 कॉस एक्स, साइन 240, साइन 240 विल बी माइनस साइन 60, और ये क्या माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा रूट 3 बाय 2 साइन। अब ये अगर बेस स्ट्रांग हो गया आपका तो आप कर पाओगे, वरना बैंड बच जाएगा। देखो कैंसिल आउट, यहां कॉस एक्स है, ये माइनस हाफ कॉस एक्स है, ये माइनस हाफ कॉस एक्स है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, जीरो बन गया, सिर्फ यहां पे क्या बचा 3 कॉस 3x और यहां क्या बचा 1 बाय 4 जो आपका आंसर है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत चीजें हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री की हमने यहां पे कॉस 3x से आइडेंटिटी यूज की, फिर हमने यहां पे अपना बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगाया, फिर हमने यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने यहाँ पे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किए, तो हर चीज हमने इकट्ठे ही यूज करनी। क्लियर ना, आई होप इतनी बात समझ आई आप लोगों को। तो लेट्स मूव फर्दर अहेड, एक अच्छा एंगल है जिसकी कभी कभी याद आ जाती है, दैट इज कॉल्ड पाई बाय 10 18 डिग्री। सो अभी हम फाइंड करने वाले हैं साइन पाई बाय 10 एंड कॉस पाई बाय 10। क्लियर, उसके बाद एक पाई बाय 5 भी देखेंगे विच विल बी 36 डिग्रीज। सो लेट्स स्टार्ट द डे, साइन पाई बाय 10 निकालना है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक्स को हम ले लेते हैं पाई बाय 10, सो बाबू जी इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5x इज इक्वल टू पाई बाय 2। 10 क्या होता है, 2 इंटू 5, 5 ऊपर भेज दिया, 5x हो गया पाई बाय 1, वरना 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2x प्लस 3x इज पाई बाय 2 और 2x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 3x, राइट? टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। अब इसको हम इतने अनकन्वेंशनल तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमारे पास कोई साथी नहीं है जिसकी हमने वैल्यू निकाली है। पिछले लेक्चर में हमने 7.5 किया, उसका साथी था हमारे पास, राइट? यहां पे साथ ही नहीं बन रहा है, 18 डिग्री ऐसे वाला तो कोई मल्टीपल ही नहीं किया हमने, तो इसलिए उसका मल्टीपल सिर्फ एक था, वो था 90 डिग्री, इसलिए मैंने यहां 90 डिग्री लिखा है। अगर आप कायदे से सोचो तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, साइन 2x टर्न्स आउट टू बी साइन π
पाई बाय टू माइनस थ्री एक्स साइन टू एक्स इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा क्या आ गया साइन टू एक्स आ गया वहां पे कॉस थ्री एक्स आ गया बाबू जी साइन टू एक्स क्या होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस थ्री एक्स क्या होता है अभी भी किया था फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स राइट भैया टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉमन निकाल दो फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री ये कैंसल आउट कर दो क्यों कर सकते हैं बिकॉज एक्स की वैल्यू पाई बाय टेन है तो कॉस पाई बाय टेन जीरो तो होने नहीं वाला है ना ऑब्वियसली बात है कॉस 90 जीरो होता है कॉस पाई बाय टेन तो नहीं होगा तो ये कट गया तो हमारे पास आ गया टू साइन एक्स माइनस फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री जीरो अब ये कॉस स्क्वायर में ये साइन में तो इसको हमने क्या कर सकते हैं हमने कॉस स्क्वायर को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर के टर्म्स तो अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी हमारे पास किसकी टर्म्स में साइन स्क्वायर की टर्म्स माइनस फोर प्लस थ्री तो माइनस वन आना चाहिए ये आ जाएगा अब इसके फैक्टर्स भैया साइन एक्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू ए माइनस टू प्लस माइनस सोलह और चार बीस हो जाएगा माइनस टू प्लस माइनस फोर रूट फाइव आई गेस कि टू रूट फाइव है ना अपॉन एट माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाय एट और देखो दो आंसर आ रहे हैं एक आंसर कहता है माइनस वन प्लस रूट फाइव बाय सॉरी फोर आएगा कैंसिल हो जाएगा और एक कहता है माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय फोर So this is not possible. Why? Because this is negative. And first quadrant है हमारा. First quadrant में value हमेशा क्या होती है? Positive. So भैया मेरे पास value आ गई क्या? ये पता लग गया मुझे यहाँ से कि sine pi by 10 की value कितनी आ गई? Sine x लिखा ना x क्या था? Pi by 10. So sine pi by 10 की value है root 5 minus 1 by साइन पाई बाय टेन की वैल्यू क्या है रूट फाइव माइनस वन बाय फोर अब मैं आपको बोलूं इसके बाद इसको ध्यान से नोट कीजिए साइन पाई बाय टेन की वैल्यू क्या है रूट फाइव माइनस वन बाय फोर इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोलूं फाइंड कॉस पाई बाय टेन तो मैक्सिमम बच्चा क्या करता है कॉस पाई बाय टेन में सेम यही कंसेप्ट लगाने लग जाता है फिर से भाई साहब नहीं कॉस पाई बाय टेन निकालना है अब पता तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है तो कॉस एक्स क्या होएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा प्लस माइनस होगा यहाँ के केस में प्लस है पाई बाय टेन है 18 डिग्री है पॉजिटिव होने वाला तो कॉस पाई बाय टेन कितना आ गया वन माइनस रूट फाइव माइनस वन बाय फोर का स्क्वायर वन माइनस फाइव प्लस वन माइनस टू रूट फाइव अपॉन सोलह तो ये बन गया सोलह माइनस छ प्लस टू रूट फाइव बाय सोलह तो ये बन गया टेन प्लस टू रूट फाइव बाय सोलह तो इसको आप क्या लिख सकते हो सोलह देखो टू कटने का हम काट नहीं रहे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं रूट ऑफ टेन प्लस टू रूट फाइव अपॉन सोलह का अंडर रूट क्लियर होता है फोर तो cos पाई बाय 10 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 क्लियर अब यहां से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं मैंने कहा पाई बाय 5 भी निकालना है क्या निकालना है पाई बाय 5 सो ध्यान से देखो कॉस टू थीटा क्या होता था वन माइनस टू साइन स्क्वायर तो कॉस पाई बाय फाइव क्या होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर पाई बाय टेन का डबल इस पाई बाय फाइव तो आप यहां से वन माइनस टू
रूट फाइव माइनस वन बाय फोर का स्क्वायर करके कॉस पाई बाय फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी आई वाई है इसके बाद, डू इट योरसेल्फ और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका क्या, कॉस पाई बाय फाइव की वैल्यू क्या आएगी अल्टीमेट, रूट फाइव प्लस वन बाय, आपके पास आंसर आएगा रूट फाइव प्लस वन बाय फोर इज कॉस बाय फाइव। एंड जैसे आपने कॉस बाय फाइव कॉस पाई बाय फाइव निकाला, वैसे ही इसको यूज करके आप साइन पाई बाय फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आज हमने नई एंगल सीखे, बेसिकली हमने 18 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, हमने 36 डिग्री की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। दीज आर द वैल्यूज दैट विल लर्न ओवर द टाइम, ताकि हमारे क्वेश्चनों में यूज होती है कॉम्पिटिशन के, तो हमें याद रहे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरी वन। With this, we end the lecture for the day. See you guys. Enjoy. Jai Mata Di.